I really like Priyanka Chopra for that. She's somebody who is bold. She's tried a lot of different things in her life in terms of different roles. I love Sara Ali Khan. She's a great performer. And देखी हाँ मैंने देखा है पापा जी जिसमें पापा जी हैं वो बहुत गालियाँ देते हैं कि मुझे टाइपकास्ट नहीं होना है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ यू नो कैरेक्टर या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी या एक कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिल्म्स सिर्फ उसमें टाइपकास्ट नहीं होना है। हाय दिस इज नमदीश सिंह संधू एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ। हेलो हाय नमस्ते मैं हूँ अंपिका सिंह स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ पर। सो आज हमारे साथ एक ऐसा एक्टर जुड़ चुका है जिसे आप देखकर शायद अपने होश ही खो दो क्योंकि आपने उनका हर एक कैरेक्टर पसंद किया है चाहे वो टीवी शोज हो या उनकी मूवी हो और अब वो वेब सीरीज लेकर आए हैं जिसे आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। सो लेट्स वेलकम नंदेश। हेलो नंदेश वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू अंपिका थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। यस सो नंदेश फर्स्टली आई वुड आस्क कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ यार आप बताइए आप कैसी हैं? बस आपको देख देख कर और अच्छे हो जा रहे हैं। थैंक यू। सो आपका जो जुबली लेकर आए आपका कैरेक्टर इतना पसंद आ रहा है लोगों को सो जब ये कैरेक्टर के लिए आपको अप्रोच किया गया तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? मुझे सिर्फ ऑडिशन देना था और अप्रोच मतलब ऐसे तो है नहीं कि भाई आइए और आप बताइए वेदर आप करना चाहेंगे कि नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। ऑडिशन का प्रोसेस था कास्टिंग बे वॉज कास्टिंग फॉर दिस शो और उन लोगों का मुझे मैसेज आया फिर कॉल आया कि यू नो दे वांट टू ऑडिशन मी फॉर दिस पार्ट एंड दे ब्रीफ मी अ लिटिल बिट अबाउट के शो किस बारे में है एंड हु इज़ द डायरेक्टर और मेरे सीन्स मेरे पास आए। ज़्यादा वो बता नहीं सकते थे बिकॉज यू नो टिल द टाइम यू शॉर्ट लिस्टेड ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते हैं शो के बारे में। सो आई जस्ट वेंट एंड ऑडिशन फॉर इट एंड माई स्ट्रैटेजी इन लाइफ हैज़ बीन दैट गिव योर ऑडिशन एंड फॉरगेट अबाउट इट। यू नो ज़्यादा सोचते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होता है एंड देन यू वॉन्ट टू डू समथिंग रियली बैडली। सो आई हैव ऑलवेज बिन दिस वे दैट ऑडिशन दिया और भूल जाओ बिकॉज इतने सारे ऑडिशन और मीटिंग्स होते हैं यू कॉन्ट जस्ट कीप फॉलोइंग अप फॉर एवरीथिंग। तो मैं भूल गया था इस बारे में। दो महीने तक किसी का कॉल नहीं आया फिर दिस वॉज इन 2019 एंड जब मैंने पहली बार ऑडिशन दिया एंड आई थिंक इन फेब्रवरी मेरे पास फिर से कॉल आया कि आपको यू नो शॉर्टलिस्ट किया है कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है एंड सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ करने हैं। सो जब सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ के लिए मुझे बुलाया तो एक नया सीन दिया गया वो ट्राई किया हमने एंड आई थिंक दे लाइक्ड इट एंड देन आई वाज टोल्ड दैट आफ्टर दैट कि एक लुक टेस्ट करेंगे और लुक टेस्ट के बाद देन दे टोल्ड मी दैट यू हैव बीन फाइनलाइज्ड। सो दिस वॉज द एंटायर प्रोसेस विच आई थिंक टुक अबाउट 2.5 months बट या through auditions. Okay, so as you said कि audition दो भूल जाओ तो कहीं मतलब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने audition दिया हो but हाँ किसी वजह से rejection मिली हो आपको और उस rejection की वजह से आपको कहीं ना कहीं आप disappoint हुए हो? बहुत बार हुआ है यार। तभी तो ये सीखा और ये समझ में आया कि audition दो और भूल जाओ क्योंकि शुरू शुरू में जब audition देता था तो expectation हो जाती है you know आप यू फील कि हाँ मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ है आज वो खुद को ही पता चल जाता है और जैसे मुझे लगता था कि हाँ आज का ऑडिशन मतलब बहुत ही अच्छा यू नो इन यहाँ पे हमारे उसमें लड़कों लड़कों में जब बात होती है तो बोलते हैं बहुत फाड़ू ऑडिशन हुआ है। सो इट्स लाइक यू नो अच्छा यू फील गुड अबाउट इट उसका वो एक फील एक बीट समझ में आ गई और अगर वो आप बीट पर डिलीवर कर पाए एंड then what the reaction you get from the casting director फिर उसके बाद expectation होना शुरू हो जाती है and जब नहीं होता है and then you see somebody else has been cast for it तो disappointment होता है and then you feel के you know comparison आने लगता है दिमाग में when you see the other person doing it कि मैं इसे बेहतर कर सकता था and that's not a good feeling. I think every actor should stay away from that because वो comparison is not right because आप अपने दिमाग में मे बी उससे बेटर कर सकते थे बट वो डायरेक्टर के लिए वो फिट होता है उसमें एंड जिस डायरेक्टर ने अगर सोचा है या कास्टिंग डायरेक्टर ने उसको फाइनल किया है यू शुड रिस्पेक्ट दैट डिसीजन एंड यू नो गुड सेंड गुड एनर्जीज टू दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन। सो ये शुरू शुरू में होता था एंड देन आई रियलाइज नो दैट्स नॉट द राइट थिंग दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। ऑडिशन दो और भूल जाओ और अगर आपने अच्छा किया है तो आपके पास कॉल आएगा और अगर आपने अच्छा किया है और आप फिट होते हो उस पार्ट में आपका लुक फिट होता है और आपका ऑडिशन भी अच्छा है देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड फाइनलाइज फॉर इट।
सो सुपर 30 में भी आपको देखा गया आपने, जो वो सपोर्टिंग कैरेक्टर जो आपने किया है उसमें एक भाई को सपोर्ट करना, मतलब एक हद तक. सो रियल लाइफ में नंदिश उससे कितना रिलेट करते, कितना किसके सपोर्ट में खड़े रहते नंदिश? आई थिंक यार सभी के सपोर्ट में, मतलब वी ऑल आर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इन ईच अदर्स लाइव्स एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. हम सब एज ह्यूमंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. मुझे, मेरी फैमिली, मेरा भाई, मेरे कजन्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है तो मैं सपोर्ट करता हूँ. एंड वी आई ऑनेस्टली फील कि पूरी लाइफ कोई भी हीरो बन के, यू नो, जैसे फिल्मों में होता है कि एक हीरो है, एक सपोर्टिंग है, वैसे लाइफ नहीं होती है. लाइफ में हर एक के अप्स एंड डाउन्स आते हैं. कभी किसी को किसी का इमोशनल सपोर्ट चाहिए, या फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए, या गाइडेंस चाहिए. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी दैट वे, कि कभी कोई फोर फ्रंट पे होता है, कभी कोई फोर फ्रंट पे होता है. एंड दैट्स वॉट मेक्स अ गुड फैमिली एंड गुड फ्रेंडशिप, कि जब जो अच्छा कर रहा है या जब स्ट्रॉन्गर पोजिशन में है तो बाकी सब लोग उसको सपोर्ट करें. एंड आई फील दैट्स अ गुड वे टू लिव लाइफ. सो एज़ यू सेड कि सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ऑब्वियसली आप भी एक ह्यूमन बींग हैं, तो आपकी भी लाइफ में आते ही होंगे. तो कौन सा ऐसा वो इंसान है जो आपके लिए हमेशा खड़ा होता है जब आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टीज आती है? एक इंसान नहीं है, मेरी लाइफ में मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं. दैट इज़, आई विल नेम देम टुडे, इट्स गौरव अग्रवाल, विशाल ढींगरा एंड प्रिया जयदास. दे आर माई बेस्ट बडीज एंड देव ऑलवेज स्टूड बाय मी. यू नो, वट एवर आई डू, वट हाउ एवर आई एम फीलिंग, वेदर इट्स सैडनेस, हैप्पीनेस, लोज एंड हाइज, ये 3 बंदे मेरे साथ हमेशा रहते हैं और पूरी लाइफ में उनके साथ रहूँगा. ओके, सो जुबली में भी आपका जो कैरेक्टर देखा गया है वो काफ़ी, मतलब आपका जो लुक है, लुक की बात करूँ मैं तो, मतलब काफ़ी, एक तो सामने भी देखकर आपको, आप इतने डैशिंग हो, बट उसमें जो आपका लुक दिखाया गया ना वो काफ़ी हटकर है. और प्लस आपने उस सेट पर काफ़ी कुछ अलग भी एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज उसमें 1942 का. सो आपके अकॉर्डिंगली, बिकॉज आपने बहुत सारे सेट का दौर किया है, सो आपके अकॉर्डिंगली आपके क्या कुछ आपको अलग एक्सपीरियंस उसमें मिला? यार इस सेट पे ना बहुत सारी चीज़ें अलग थी, यू नो, अपार्ट फ्रॉम द लुक एंड एवरीथिंग. लुक तो, यू नो, द गोल्डन एरा तो दिखाया ही है सिनेमा का, जो अब तक इस तरीके से नहीं दिखाया गया है किसी भी शो में या किसी भी फिल्म में. जिस तरीके से जुबली में दिखाया गया वैसा नहीं आज तक दिखाया. एंड दैट्स वाई आई थिंक पीपल आर लविंग इट, एंड वी आर ऑल ग्रेटफुल दैट एवरीबडी इज़ लाइकिंग वॉट वी हैव मेड. Everybody is liking Vikram Sir's and Soumik Sen's and Atul Sabharwal's vision, ke un logon ne jo paper pe socha tha wo jab screen pe aaya hai, to you know people are in love with that. And also at the same time, jab aap aapka ye sawal ke kya different mujhe laga is set pe, I think itni sari seekh is set se mujhe mili hai, and wo life ke bare mein, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, कैसे प्रोफेशनली काम होता है, यू नो, सो मेनी थिंग्स टू लर्न अबाउट डायरेक्शन फ्रॉम विक्रम सर एंड हिज टीम. आई थिंक द वे एवरी डिपार्टमेंट हैज़ वर्क्ड, एंड जैसे विक्रम सर ने हर डिपार्टमेंट को इतने अच्छे से जोड़ के रखा, इतने, यू नो, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, he made sure that everybody is working in unison to create, only work towards the story. There's nothing else, no other motive, and that's why this magic has been created. So it's just been a brilliant experience. Well, I can go on and on for days talking about what I've learned in Jubilee and the set, and from everybody in the team, ki wo ab main usko justice nahi kar paunga kuch shabdon mein kehke. So just now you talk about direction. So jo hamari jo Hindi film industry hai ya South ki, bahut sari matlab hamare jo directors hai, diggaj directors, so unme se kiska naam lena chahenge aap, jinke sath aapko personal, matlab aap unse bahut inspire hai, jinke sath aapko kaam karna ho? Mujhe sabke sath kaam karna hai. Mujhe ho sakta hai ki, you know, and I'm not trying to be diplomatic, I'm just saying, मुझे आर्ट फिल्म्स भी करनी है, मुझे कमर्शियल फिल्म्स भी करनी है, मुझे शॉर्ट फिल्म्स भी करनी है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इस सेट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ही काम करना है, बट आई वॉन्ट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. माई आइडिया इज़ कि मुझे टाइप कास्ट नहीं होना है, कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, यू नो, कैरेक्टर, या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, या एक
कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिल्म्स, सिर्फ उसमें टाइपकास्ट नहीं होना है. आई वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स. मुझे कॉमेडी भी करनी है, मुझे इमोशनल फिल्म्स भी करनी है, मुझे एक्शन फिल्म्स भी करनी है. बट दोज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट शुड कम टू मी एंड आई वॉन्ट टू बी एबल टू यू नो गिव माई बेस्ट in those kind of roles to be able to accept so that audience accepts me in those roles. Aur jab tak main try nahi karunga audience ko pata nahi chalega ki ye bhi kar sakta hai. Because when now for Jubilee or whether it's for Super 30 or any other part, you know work that I've done, isse pehle maine ek andekhi karke show hai wo kiya tha jisme I'm playing a negative lead. और मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा इतना strong negative character नहीं किया है. But it got so much love from the audience. I think what people like is when you break the stereotype, when you break your image and you can deliver something new which creates a good shock value for people. I want to be able to create that shock value in every role that I do, every film or every show that I do. And that's it. I don't want to name directors per se, but I want to say that this is the kind of, you know, this is my vision. This is what I want to do. When few years down the line, I want people to say, okay, Nandish ki range achhi hai as an actor, as a performer. He can pull off different roles. And I think that is it. That's what I want to achieve. So, iske alawa, agar Nandish aapki baat kare to, so फिल्म वगैरह तो ये हमारा एक प्रोफेशन हो जाता है, इसके अलावा नंदिश को क्या पसंद है ताकि नंदिश एकदम फ्रेश मूड में रहे? यार मुझे मुझे मतलब घूमना पसंद है, मुझे कंटेंट देखना पसंद है, मुझे फिट रहना पसंद है, फिटनेस पसंद है. आई एम अ बिग फूडी. मुझे खाना बहुत पसंद है और चटपटा खाना बहुत पसंद है, जंक फूड खाना बहुत पसंद है. ये आई थिंक कॉमन है सब में. मैं आपके जैसे फिट नहीं हो पा रही हूँ, बट आपके फिटनेस का भी राज जरूर जानना चाहेंगे हम. फिटनेस का राज मुझे है ना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा मतलब अभी तो मैं इतना फिट हूँ भी नहीं इस टाइम पे, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इवन फिटर. बट दी ओनली थिंग इज के बैलेंस करके खाएँ और उतना खाएँ जितना हम बर्न कर सकें, एंड दैट्स इट. यू नो यू डोंट हैव टू, देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट. हाँ, अगर आपको एस्थेटिकली कुछ स्क्रीन पे दिखाना है, बॉडी बनानी है, हम उतने फिटनेस लेवल में, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा उतने फिटनेस लेवल पे रहूँ कि अगर मुझे बोला जाए कि आपको ये कैरेक्टर प्ले करना है, यू नीड टू शो योर बॉडी फॉर दिस, तो मैं कुछ हफ्तों में, 6 से 8 हफ्तों में उस गोल पे पहुँच पाऊँ, उसको अचीव कर सकूँ. अगर मैं इतना लेट लूज कर दूँगा कि मेरी फिटनेस, इफ़ आई कॉन्ट रीच दैट इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, वो मेरे लिए फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. सो आई वॉन्ट टू स्टे इन दैट स्पेस, सेफ स्पेस इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, के मैं फिट भी रहूं और इन्जॉय भी करता रहूं, खाना पीना भी इन्जॉय करूं. जैसे कि आपने बड़े पर्दों की फिल्मों के लिए भी काम कर लिया है, सुपर 30 कर लिया आपने, और अभी आप OTT में भी आपने अपना हाथ आजमा लिया है. सो आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है OTT और ये बड़े पर्दे की जो फिल्में हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस आपने देखा कि मतलब शूटिंग में कुछ डिफरेंसेस आपको लगता है? बिकॉज जो ऑडियंस है, दोनों की ऑडियंस बढ़ चुकी है. सो अकॉर्डिंग टू यू, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है OTT और बड़े पर्दे की फिल्मों के लिए? मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस बटी है. जो लोग, जो फिल्म देखने वाले लोग हैं, वही OTT भी देख रहे हैं. बिकॉज OTT पे इतना अच्छा कॉन्टेंट बन रहा है, देर सम ब्रिलियंट डायरेक्टर्स ऑन OTT, देर आर ब्रिलियंट एक्टर्स एंड टेक्निकल टीम्स ऑन OTT. सो ऑडियंस समवॉट सेम है. आई ओनली फील द डिफरेंस इज दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ फिल्म, यू आर वॉचिंग यू नो अ स्टोरी जो शॉर्ट फॉर्मेट है, 2.5 घंटे की फिल्म है, और आप एक मैसेज लेके वहाँ से निकल रहे हो और आपको स्टोरी याद रह जाती है कि हाँ ये स्टोरी थी इस फिल्म की. और कुछ कुछ फिल्में इतनी, यू नो दो फिल्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन यू, तो आपको वो कैरेक्टर्स याद रह जाते हैं. बट व्हेन यू आर वॉचिंग ऑन OTT, इट्स अ लॉन्गिश काइंड ऑफ फॉर्मेट. आप 8 से 10 एपिसोड्स देख रहे हो एंड यू गेट मोर कनेक्टेड टू दोज कैरेक्टर्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट सीरीज रॉकेट बॉयज और सूट्स और द नाइट मैनेजर, आई थिंक दिस सीरीज वी आर ऑल कनेक्टेड टू दोज कैरेक्टर्स. हम अब जैसे अनदेखी में हैं, अनदेखी में इतने सारे खूबसूरत कैरेक्टर्स हैं, एंड स्पेशली पापा जी का जो कैरेक्टर है,
पीपल से यू नो किसी को बोलो कि अनदेखी, तो देयर रिएक्शन इज अनदेखी, हाँ मैंने देखा है, पापा जी जिसमें पापा जी हैं वो बहुत गालियाँ देते हैं. सो यू गेट कनेक्टेड विद दोस कैरेक्टर्स. आई थिंक दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ओटीटी एंड फिल्म्स. फिल्म से हमको वो स्टोरी याद रहती है, ओटीटी में बिकॉज इट्स स्लाइटली लॉन्गर वी स्पेंड मोर टाइम विद दोस कैरेक्टर्स, आई थिंक हमें वो कैरेक्टर्स ज़्यादा याद रहते हैं. सो नंदिश, नंदिश की बात करें अगर, तो नंदिश लव में कितना बिलीव करते हैं और कैसा एक पार्टनर होना चाहिए? बिकॉज जो अभी जनरेशन जो चल रही है उसमें बहुत ही सपोर्ट चाहिए रहता है किसी इंसान का. लाइफ में भले कितने लोग रहे बट हाँ एक सपोर्ट चाहिए होता है जो हमेशा हमारे आस पास रहे. तो हाउ मच यू बिलीव इन लव? यार आई कम्प्लीटली यू नो एवरीथिंग इन माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड लव. Whether it's with your partner, whether it's with your parents, your work, your whatever you want to do in life, love needs to be there. If agar love nahi hoga, I am a believer ke pyar nahi hoga to hum phir machine jaise kaam karte hain. Pyar hota hai to you know there is always that spark in you that you want to do something, and because of love you know there's some unsaid magic that is created and you feel happy about it. So I think love हर artist के लिए बहुत ज़रूरी है. And I'm sorry, what was your next part of the question? Which one? Right now. So इसी का मतलब कौन सा ऐसा इंसान रहता है जो हमेशा your partner, हाँ, your, okay. Right, partner. So yeah. And so love is extremely important for me. And in terms of partner, अगर आप पूछेंगे तो मेरे लिए पार्टनर की कोई ऐसे फिक्स टेम्पलेट नहीं है कि मेरे पार्टनर को इसमें आके फिट होना है तो ही वो मेरे लिए अच्छा होगा. I think the only thing that I look for in a partner would be respect. There has to be immense respect for each other, whatever we do, and there has to be clear communication. Wo jahan par bhi baat cheet band ho gayi ya communication gap aa gaya where you're not able to express yourself to your partner, then it becomes a problem. Otherwise, everything else can be taken care of. Agar aap apne aap ko convey kar sakte ho और बात कर सकते हो और उस चीज़ को आपका पार्टनर रिस्पेक्ट कर सकता है और आप बिना डरे जो बोलना है बोल सकते हो अपने पार्टनर को, आई थिंक बाकी सब सेकेंडरी होता है. बाकी से एवरीथिंग एल्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. वाओ लवली. सो इसी के साथ ही योर करियर ग्राफ इज आल्सो ग्रोइंग टू फास्ट. तो आगे आने वाले दिनों में मतलब किन एक्ट्रेसेस के साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? इफ़ यू वुड गिव मी वन नेम. I love Sara Ali Khan. She is a great performer and she's got an amazing personality in real life as well. I would love to work with her if you ask me one name. So इसी के साथ ही जो हमारे जितने भी स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं हमारे, उनसे भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है. चाहे आप भले आप एक्टर हो बट हाँ हम लाइफ में किसी एक इंसान को ज़रूर फॉलो करते हैं जो हमारे स्टार्स हैं. तो उनमें से कौन सा ऐसा एक्टर है बॉलीवुड का जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलता है लाइफ में और ग्रो करने के लिए? ये इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ एक इंसान को फॉलो करके एंड आई डोंट बिलीव इन दैट कि मैं उस इंसान की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करूँ या अपने गोल्स को या अपने विजन को उस इंसान के डिसीजंस पे बेस करूँ. बट हाँ मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखता रहूँ. एट द सेम टाइम इफ़ यू आस्क मी, मेरा मोस्टली जो मेरी लाइकिंग होती है वो या तो इंसान कैसा है, उसका दिल कैसा है, और वो आर्टिस्ट कैसा है, परफॉर्मर कैसा है, कितना रिस्क लेने के लिए रेडी है, कितनी गट्स हैं उसमें रिस्क लेने की. मेरे लिए ये चीज़ें बहुत इंस्पायरिंग होती हैं एंड आई रियली लाइक प्रियंका चोपड़ा फॉर दैट. शी इज़ समबडी हु इज़ बोल्ड. She's tried a lot of different things in her life in terms of different roles. Unki range mujhe pasand hai as an artist. Or, you know, she's done singing and now she's working in Hollywood. And in jab wo idhar Hindi film industry mein kaam kar rahi thi, the kind of roles that she's done. She's a brilliant dancer. She speaks well in her interviews. So I think these are the things that inspire me. And she's a good human. I recently met her at the screening of Citadel and she's, you know, this was my second meeting with her and she's a beautiful person. I really like her for that. And the same thing is with Sara as well. You know, Sara, I think, is a good soul. She's somebody who is ready to be vulnerable and she comes across as very warm, and I like that about her, and she's a good actor as well.
सो इफ वी टॉक अबाउट ऋतिक, उनके साथ आपने काम भी किया है, सो उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? इट्स बीन ब्यूटीफुल. अगेन यू नो लाइक आई सेड, ब्यूटीफुल सोल, ग्रेट परफॉर्मर, हाईली मोटिवेटेड ह्यूमन बीइंग. अपने आसपास के लोगों को बहुत इंस्पायर करते हैं. द वे ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ, द वे ही टेक्स केयर ऑफ हिज पीपल अराउंड हिम, जैसे वो अपने को एक्टर्स को कंफर्टेबल फील कराते हैं. सो अ गुड पर्सन, गुड परफॉर्मर, ए ब्रिलियंट परफॉर्मर आई वुड से, अ ब्रिलियंट डांसर एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव एक्टर. सो या ओके. सो व्हाट चेंजेस यू हैव सीन इन योरसेल्फ आफ्टर कोविड पीरियड? What changes I've seen in myself? In your life? I think I've kind of accepted life in a much more better way. I've become more grateful towards everything that happens in life. Every small thing, I try and be grateful for it, and I try and say thank you for every day that's going past in the life, because we've seen so many bad news. So much of uncertainty, so much of grief during this period in everybody's life. Hum sabne kisi na kisi ko khoya hai ya kuch bura hua hai kisi ke saath. So the lesson that I've learned after COVID is ki nothing is permanent and nothing is, you can't take anything for granted. It will change in a matter of seconds, not even days. So yeah, just enjoy, be grateful and make the most of it. ओके. सो रोमांटिक या एक्शन, कैसी टाइप की मूवीज आपको मतलब करना पसंद है? बिकॉज आपने हर एक एक्शन कर लिया है, आपने हर एक रोमांस कर लिया है, सो आपको स्पेशली क्या पसंद है आपको? मुझे सब पसंद है और मुझे सब करना है. मुझे आई वांट टू बी रोमांस आल्सो, आई वांट टू डू एक्शन आल्सो, आई वांट टू डू आर्ट फिल्म्स आल्सो, फेस्टिवल फिल्म्स आल्सो. आई वांट टू बी नोन एज एन एक्टर हु इज नॉट specifically typecast in some kind of films or some kind of characters. I want to be a versatile actor. I want to be known as a versatile actor who can do multiple things. Thank you so much Nandesh, and all the very best. और भी projects लेकर आओ, और हाँ जल्दी जल्दी लेकर आओ, because wait करते करते हम थक जाते हैं कि हाँ कब नंदी से next मुलाकात होगी, कब interviews होंगे. Thank you. So guys, आप भी हमें comment section में ज़रूर बताना क्या आपने जुगली देखा है और नंदीश का कौन सा part आपको ज़्यादा पसंद आया है. एंड हाँ, नीचे comment section में ये भी बताना कि आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आप कैसे कैरेक्टर में देखना चाहते हैं नंदीश को.